नारी ने कहा था कि किसी ने सूर्य का रूप लिया है, क्या वो नारायण है? अभी आगे देखते चलो। हाँ वो क्या नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। और आज हम बात करेंगे डीके फिल्म्स की तरफ से एक वेब सीरीज जो निकली है सुड बॉय के बारे में। इस सुपर हीरो का नाम पहले मिस्टर इंडिया रखने वाले थे, लेकिन बाद में कॉपीराइट क्लेम के वजह से शायद इसका नाम सुड बॉय रख दिया गया है। एक्चुअल रीज़न तो हमें नहीं पता, लेकिन ये बहुत ही अच्छा डिसीजन था कि इसका नाम सुड बॉय रखा गया, ना कि मिस्टर इंडिया। तो चलिए आज इसके बारे में बात करते हैं। अगर आप ये रिव्यू सीपीए देखने के लिए आए हैं कि आपको ये सीरीज़ देखनी चाहिए या नहीं चाहिए, तो इसका सिंपल सा एक लाइन में ही जवाब है कि आपको ये सीरीज़ ज़रूर देखनी चाहिए। लेकिन ये सीरीज़ को देखने से पहले आपको महाकाल और सुपर बूम या फिर बूम बूम की तरफ से, यानी कि पहले दोनों सीज़न देखने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि आपको ये सीरीज़ उसके बिना समझ में नहीं आएंगी, लेकिन जो झटके थे या फिर जो स्टोरी लाइन है, जो मज़ा है, इन दोनों को देखे बिना आपको नहीं मिलेंगे। जैसे कि लास्ट का एपिसोड आज ही कंप्लीट हो गया है, लेकिन लास्ट के एपिसोड में, यानी कि पांचवें एपिसोड में, सुड बॉय के पांचवें एपिसोड में, शुरुआत के दो मिनट में इतना अच्छा और इतने बढ़िया तरीके से एक डायरेक्शन दिया गया है या फिर एक स्टोरी लाइन दिखाई गई है, जो कि बहुत ही हाई क्वालिटी और बहुत ही प्रोफेशनल थी। यानी कि मतलब जब मैंने वो दो मिनट देखे, मतलब इंट्रो के पहले ही वो दो मिनट दिखाए गए थे, तो कहीं ना कहीं दिमाग में, मेरे दिमाग में एंड गेम आ गया कि ये क्वालिटी करियर के एंड गेम की तरफ से थी। आप एंड गेम से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि एंड गेम बहुत ही एवेंजर एंड गेम बहुत ही हाई क्वालिटी और बहुत ही ज़्यादा पैसों में बनी हुई है, जहाँ पर ये सीरीज शायद बहुत ही कम पैसों में बनी हुई है। मुझे नहीं पता यहाँ पर कितने पैसे लगे हैं, लेकिन बहुत ही कम पैसों में सीरीज बनाई गई है। लेकिन उसकी स्टोरी लाइन बहुत ही करीब थी, क्योंकि जो इवेंट पास्ट में हुए हैं, सुड बॉय उसे कैसे रिलेट करता है, और जैसे कि महाकाल और बूम के वक्त जो वहाँ पे हो रहे थे, स्टोरी लाइन चल रही थी बूम और महाकाल के अंदर, तो उस वक्त सुड बॉय कहाँ पे था। तो ये स्टोरी लाइन जिस तरह से दो मिनट में दिखाई गई है, वो बहुत ही हाई क्वालिटी थी और ऐसी थी कि मतलब झटका लगता है कि ओ माई गॉड, ये हुआ था वहाँ पे। तो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। और इसके बाद भी अगर आपको जानने की क्या क्या इस सीरीज़ के अंदर अच्छा है या बुरा है, तो आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेडिक्शन के बारे में। जब ये सीरीज अनाउंस हुई थी या फिर ये सीरीज का पहला एपिसोड हुआ था, तो मेरे मतलब मैं खुद के ओपिनियन दे रहा हूँ, ये पूरी सीरीज मेरे खुद के ओपिनियन के ऊपर है, आपने भी दे सकते हो। लेकिन मेरे दिमाग में प्रेडिक्शन सिंपल से आई थी कि चाहे इसके अंदर जो चीज़ कैसी भी हो, VFX या फिर GFX या फिर कहा जाए कि एक्टिंग, लेकिन इस सीरीज के अंदर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगी, वो मतलब स्टोरी। जैसे कि महाकाल के अंदर, महाकाल का ज़्यादा कोई बड़ा रोल नहीं था, मैं ये ओपन में कह सकता हूँ, क्योंकि करीब 2 या 3 एपिसोड तक महाकाल पूरे महाभारत के सीजन में था ही नहीं, लेकिन तब भी एक स्टोरी लाइन चल रही थी और वहाँ पे हमें कहीं पे भी महाकाल की कमी महसूस नहीं होती, क्योंकि वो स्टोरी इतनी बढ़िया चल रही थी। तो उसी तरह से मुझे इतना पता था कि सुड बॉय के अंदर स्टोरी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होने वाली है। तो बात कर रहे थे इस सीरीज़ के अंदर होने वाले अच्छे इवेंट के बारे में, या फिर इस सीरीज़ के अंदर क्या क्या अच्छा है। तो भाई सबसे पहली अच्छी बात तो ये है कि किसी ने इंडिया के सुपर हीरो या फिर इंडिया के सुपर हीरो रिप्रेजेंट करने के लिए कोई वेब सीरीज़ बनाई है, वो भी पहली या दूसरी बार नहीं तो तीसरी बार, और एक ऐसी स्टोरी लाइन के साथ बनाई है जो बनाने के स्टोरी या फिर गट लगते हैं, क्योंकि ये स्टोरी करीब करीब ऐसी थी जो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि किसी को पसंद आएंगी या नहीं आएंगी। लेकिन जितने भी कमेंट मैंने देखे हैं या फिर जिनकी भी मैंने बात की है, मैं अकेला नहीं हूँ जिसने सुड बॉय देखा है, और बहुत लोग हैं, शायद आपने भी देखा ही होगा, तो आपको पता है कि स्टोरी लाइन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। सबसे बड़ी बात और सबसे अच्छी बात है स्टोरी राइटिंग, और उसी के साथ की जाने वाली स्टोरी टेलिंग भी, या फिर उसके जैसे जिस तरह से डायरेक्शन किया गया है, मेरे ख्याल से डीके ही इस पूरे सीरीज के ये है डायरेक्टर है, लेकिन जो डायरेक्शन किया गया है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। दूसरी सबसे बड़ी बात या फिर बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात आती है सुड बॉय के अंदर, वो मतलब कि छोटे छोटे क्लिप या फिर छोटे छोटे इवेंट जहाँ पे सुड बॉय अपने पावर यूज़ करता भी है और नहीं भी करता। जैसे कि पहले या फिर दूसरे एपिसोड में जहाँ पे वो एक चोर को पकड़ने के लिए गया था, और उसका फ्रेंड यानी कि सुड बॉय का फ्रेंड उसे गलती से मारता है, तो वहाँ पे एक छोटी सी क्लिप है कि जहाँ पे सुड बॉय 2 सेकंड के लिए अपना विजिबिलिटी छोड़ता है, उसके फ्रेंड के सामने आता है, कहते हैं कि मुझे ही, और वापस से इनविजिबल हो जाता है। तू पागल है क्या?
रेलवे में वाली सुनेगा क्या? सुनना। वो देखने गए तो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस 2 सेकंड या फिर 2 मिनट के क्लिप के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है हमको पता है। जो भी मतलब शूटिंग के दरमियान जो भी किसी को पता है कि प्रोडक्शन में क्या क्या वैल्यू लगती है, या फिर GFX या फिर VFX या फिर कार्टून या फिर ऐसे किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व होंगे, तो उन्हें पता है कि उस 2 सेकंड के क्लिप के लिए कम से कम एक प्रोफेशनल को 2 घंटे लगते हैं उस इनविजिबल और विदाउट इनविजिबल मैन को दिखाने के लिए। तो ये देख के ये समझ में आता है कि जब ये सीरीज बनाई गई थी तो बहुत ही ज़्यादा पैशन से बनाई गई थी, बहुत ही ज़्यादा प्यार से बनाई गई है। और तीसरी सबसे बड़ी बात है इस सीरीज की, जहाँ पे हमें खुद का सुपर हीरो का एक पूरा यूनिवर्स मिल रहा है, जहाँ पे हर सुपर हीरो किसी इंडियन सुपर हीरो को यानी कि पुराने सुपर हीरो को रिप्रेजेंट कर रहा था पहले, अब वो पूरी तरह से चेंज हो गया है और हर एक सुपर हीरो एक नए सुपर हीरो को यानी कि खुद के DC के यूनिवर्स, सॉरी मैं थोड़ा ये हो रहा हूँ, लेकिन खुद की सुपर पावर को दिखा रहा है। जहाँ पे महाकाल को पहले शक्तिमान से कंपेयर किया जा रहा था, लेकिन एंडिंग में महाकाल खुद महाकाल ही निकला। जहाँ पे नारी को शक्ति से कंपेयर किया जा रहा था, लेकिन सुडबॉय के अंदर नारी की पूरी व्याख्या ही बदल गई है। नारी अब खुद नारी है, मतलब कि उसकी एक अलग से इमेज बन चुकी है। अब ज़रूरत नहीं है बताने की वो सिर्फ शक्ति को रिप्रेजेंट कर रही है, अब नारी खुद को नारी की तरह ही रिप्रेजेंट कर रही है। सूट बॉय को मिस्टर इंडिया की तरह रिप्रेजेंट किया जा रहा है, लेकिन सूट बॉय ने अपनी खुद की अलग इमेज बना ली है। अब हम ये जानते कि सूट बॉय कोई मेच्योर बंदा नहीं, तो एक इनमेच्योर लड़का है जिसके पास सुपर पावर है, और यही चीज़ें सूट बॉय को बहुत ही ज़्यादा आगे लेके जाती है या फिर कुछ अलग प्रेडिक्ट करने के लिए लगाते हैं कि हाँ हमें सीरीज देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। मैं सूट बॉय की बहुत ही ज़्यादा तारीफ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये अपने समय से बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़कर जाने वाली एक स्टोरी लाइन की तरह है। शायद फ्यूचर में जाके लोग सूट बॉय के या फिर 10 या 20 साल के बाद फ्यूचर में जाके लोग ये एपिसोड देखेंगे और बोलेंगे कि वाओ यहाँ से सूट बॉय की शुरुआत हुई थी, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सीरीज आगे बढ़ के बहुत ही बड़ा रूप लेने वाली है। लेकिन हाँ, सूट बॉय बहुत ही कमाल की सीरीज है, लेकिन इसी के साथ इसके अंदर कुछ बुरी चीज़ें भी है जो हमें देखनी चाहिए। सबसे पहले बुरी बात जो आती है, मैं रिपीट करता हूँ कि बुरी बात यानी कि बुरी चीज़ या फिर जो चीज़ें फिट नहीं हो रही, मैं उसको दोष नहीं दे रहा, बस बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई मुझे ये कहे कि तू सिर्फ तारीफ कर रहे है, इसके अंदर ये बुरी चीज़ें भी है। तो मैं सिर्फ नोटिस कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि देखे फिल्म में से ये कोई देख भी रहा है, लेकिन अगर कोई देख रहा है तो भाई बुरा मत मानना, लेकिन मुझे पता है कि कोई देखेगा नहीं। तो शुरू करते हैं। बहुत सारी जगहों पे हमें बहुत ही ज़्यादा वीक एक्टिंग देखने को मिलती है विलन की तरफ से और कई बार हीरो की तरफ से भी, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि ये सब मेरे ख्याल से सभी बिगिनियर्स है। और मेरे खुद के साइनर को देखा जाए तो मेरा खुद की साइनर की लगी पड़ी है, क्योंकि मुझे पता है कि एक वॉइस एक्टिंग में कितनी ज़्यादा इशू होती है। अगर मैं खुद के साइनर की बात करूँ तो या फिर रिकॉर्डिंग करना बहुत ही ज़्यादा बड़ी या फिर बड़ी मुश्किल बात है कि इस जगह पर रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती और हर तरफ बैकग्राउंड में कोई ना कोई आवाज़ आती ही रहती है। लेकिन उसी समय पे ऐसे सूट बॉय की तरह एक ओवर डबिंग के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इशू हो सकते हैं। लेकिन इस बात को साइड में रखते हुए भी हम ये कह सकते हैं कि कई बार एक्टिंग थोड़ी सी वीक हो जाती है। और दूसरी सबसे बड़ी और बुरी बात यह है कि इस सीरीज़ के अंदर एक सॉन्ग है जिसका लिंक मुझे कहीं पर भी नहीं मिला। तो अगर कोई इस देख रहा है तो प्लीज़ मुझे उस सॉन्ग की लिंक सेंड कर दे, क्योंकि मैं तरस रहा हूँ उस पूरे सॉन्ग को सुनने के लिए। मतलब लिरिक्स में गाने में बहुत बुरा हूँ, लेकिन मुझे जीने की 100 वजह दे, इस तरह की कुछ लिरिक्स है उसके, मतलब मूवी का या फिर सॉन्ग का नाम ही वो है। लेकिन उस सॉन्ग को मुझे लगता है कि इस सॉन्ग को लेके वो बहुत ही अच्छी तरीके से प्रमोशन कर सकते थे अपनी सीरीज के लिए, क्योंकि जिस तरह से पहले एपिसोड के अंदर उस सॉन्ग को यूज़ किया गया है, अगर उसी क्लिप को कहीं पर वायरल हो जाता, कहीं फेसबुक पर वही उतनी क्लिप वायरल हो जाती तो ये सीरीज़ है वो ब्लॉकबस्टर होती। मुझे बहुत ही बुरी बात ये लगती है कि उस सीरीज़ का एक भी एपिसोड ट्रेंडिंग पेज पे क्यों नहीं आया। वो सीरीज़ का मतलब कम से कम 5th एपिसोड या 6th एपिसोड तो ट्रेंडिंग में आना ही चाहिए था, वो एपिसोड डिजर्व करता है, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो ये थी सूट बॉय की कुछ अच्छी और बुरी बातें। अगर सूट बॉय देखने से पहले आपको जानने की आपको कोई प्रिकॉशन लेनी है क्या, कुछ पहले देखना है क्या, क्योंकि स्टोरी लाइन एक यूनिवर्स के ऊपर बेस है जो कि चेंज होते रहता है, तो मेरे हिसाब से या फिर मेरे कहने के हिसाब से आपको सबसे पहले महाकाल और बूम को देखना पड़ेगा। इसकी मैं रिपीट करता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि आपको देखना ही है, लेकिन अगर आपने देख लिया तो आप सूट बॉय को बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय करेंगे।
और आप ये भी देख पाओगे कि महाकाल से लेकर सूर्योदय के अंदर कितने ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। जहाँ पे महाकाल का एक आखिरी एपिसोड करीब करीब उन्होंने डीवीजी के ऊपर बेस बना दिया था, लेकिन महाकाल का आखिरी मतलब सब लोग ये कहते कि वो पूरी तरह से ड्रैगन बॉल का कॉपी है, उनके पावर और वगैरह जो भी थे ये फाइटिंग स्टाइल, लेकिन किसी ने भी ये नोटिस नहीं किया कि वो कितने हाई क्वालिटी पे रिकॉर्ड हुए हैं और वो जो VFX है वो कितने हाई क्वालिटी पे देखे हैं कि हम चीज़ें उसे इस लेवल पे कंपेयर कर सकते हैं कि हाँ DBZ हम देख रहे हैं लाइव में। तो और उसी के साथ में सूर्यबॉय के अंदर भी VFX बहुत ही ज़्यादा अच्छे है, लेकिन उसी के साथ महाकाल में सबसे बड़ा इशू जो हुआ था, मुझे लगता है कि महाकाल जहाँ पे थोड़ा सा कमज़ोर पड़ गया था, वो था कि उसकी एपिसोड लेंथ, मतलब कि एपिसोड लेंथ नहीं कहेंगे लेकिन एपिसोड को जिस तरह से रिलीज़ किया जा रहा था, क्योंकि महाकाल को करीब कंप्लीट होने में 2 साल लगे थे, जहाँ पे एक एपिसोड के बीच में 3-3 और 4-4 महीने का गैप था, लेकिन सूर्यबॉय के अंदर वो इशू है ही नहीं। हर सैटरडे को हमें एपिसोड मिला और हर एपिसोड की बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय भी किया लोगों ने, जो भी एपिसोड को इन्जॉय कर रहे थे। उसी के साथ सब सूर्यबॉय का एपिसोड रिलीज हो रहा था, तो उसी के साथ DK फिल्म्स वाले ने लाइव ये भी किए थे, इवेंट किए थे, इंस्टाग्राम के ऊपर लाइव आए थे, यूट्यूब के ऊपर लाइव आए थे, और हर वक्त प्रीमियर के वक्त भी वो ऑडियंस के साथ बने रहे थे। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है कि जो सीरीज या फिर जो कंपनी या यूनिवर्स इसे बना रहा है वो ऑडियंस के साथ कनेक्टेड है। उसी के साथ अगर कोई ऑडियंस में से उनसे कोई क्वेश्चन पूछता भी तो हर वो क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश भी कर रहे थे। जैसे कि मैंने एक बहुत ही बड़ा मतलब एक क्वेश्चन पूछ लिया था जो कि सीरीज के अंदर बहुत ही बड़ा टर्न ओवर भी था, उसके अंदर उन्होंने मुझे भी रिप्लाई दिया था। तो वापस से अगर कोई देख रहा है DK फिल्म्स की तरफ से तो थैंक यू मुझे जवाब देने के लिए। लेकिन हाँ, ये सीरीज़ या फिर ये DK यूनिवर्स या फिर DK फिल्म्स, मुझे पता नहीं कि उस यूनिवर्स का नाम क्या है और मेरे ख्याल से कहीं पर उन्होंने रिवील नहीं किया, लेकिन ये यूनिवर्स मेरे ख्याल से अगर ऐसे बढ़ता रहा तो एक दिन ये इंडिया के मार्वल में या फिर उसी जगह पे स्टैंड करेंगे जहाँ पे किसी समय पे राज कॉमिक या फिर शक्तिमान स्टैंड कर रहे थे। और मुझे लगता है कि इस वेब सीरीज़ की ज़रूरत इंडिया को बहुत ज़्यादा है, ये दिखाने के लिए कि इंडिया सिर्फ सार बहू और लव स्टोरी के बीच में नहीं फंसा हुआ, तो इंडिया के पास और भी चीज़ें हैं दिखाने के लिए, देखने के लिए, और ऐसे बहुत ही ज़्यादा रॉ टैलेंट है इंडिया के अंदर जो अभी तक बाहर नहीं आए हैं, लेकिन अगर बाहर आ गए तो भाई टहलका मचा देंगे, तो भाई मचा देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मुझे नहीं पता कि एपिसोड कैसा है, मैंने बस एक क्विक रिव्यू डाला है, एक ऑनेस्ट रिव्यू डाला है। मैं इस सीरीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था, एक्साइटेड हूँ, मैं नेक्स्ट सीजन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो मुझे नहीं पता कि, तो मैंने थोड़ी ज़्यादा तारीफ कर दी साइड से, शायद कमेंट में ऐसे इशू आते हैं कि बहुत ही ज़्यादा तारीफ हो गई, अभी इतनी भी अच्छी नहीं है, क्योंकि पहले भी हुआ है। और मैंने जब पहले सूर्यबॉय का सूर्यबॉय का रिव्यू डाला था पहले एपिसोड के ऊपर, तो उसे टेक डाउन कर दिया गया था DK फिल्म्स की तरफ से, वो मैन्युअली नहीं था, वो यूट्यूब की तरफ से था। लेकिन हाँ, लेकिन ये सीरीज डिजर्व करती है, इसको देखना चाहिए, कम से कम एक बार तो देखना चाहिए, और देखने के बाद कम से कम आपके एक फ्रेंड को तो सजेस्ट करना चाहिए कि भाई सूर्यबॉय देख, लेकिन ऐसे मत कीजिए जिस। तो चलिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, तब तक के लिए चुबा कापड़ा। और जिन लोगों को पता नहीं चुबा कापड़ा क्या है, तो टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल के शुरुआत के कॉमिक में ये चीज सायोनारा की जगह पे यूज किया जाता था। तो खुद की कैसलाइन बना रहो, थैंक यू, गुड बाय। हाय हेलो और थैंक यू, चलते हैं।